नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे, एक राजा ने अपनी ही बेटी से विवाह क्यों किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत पुराने समय की बात है, बीरपुर नगर के राजा वीर सिंह राज्य करते थे। राजा वीर सिंह नवयुवक थे और उनकी 3 रानियां थी, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं हुई थी। एक सुबह का वक्त था, राजा वीर सिंह शिकार खेलने के लिए निकले और जंगल की ओर चल पड़े। राजा वीर सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे कि जंगल में एक बुजुर्ग बुढ़िया, जो कि वह माता थी, खेत की पटड़ी पर बैठी हुई मूंज की पत्तियों में गांठे लगा रही थी। राजा ने उस बुढ़िया को देखा और सोचा कि इस वीरान जंगल में ये बुढ़िया कहाँ से आई है और यह यहाँ क्या कर रही है। ये सब जानने के लिए राजा वीर सिंह व माता के पास पहुँच गए और घोड़े से नीचे उतरकर अपने राजा होने के घमंड में वो माता से बोले, ए बुढ़िया, यहाँ इस वीराने जंगल में तू अकेली बैठी हुई क्या कर रही है। तो वो माता बोली, बेटा, मैं किसी की जोड़ी बना रही हूँ तो किसी की बिगाड़ रही हूँ, किसी को मिला रही हूँ तो किसी को बिछड़ रही हूँ, यानी अलग कर रही हूँ, मेरा तो यही काम है। इस पर राजा वीर सिंह बोले, बुढ़िया माई, हम समझे नहीं, जरा खुलकर विस्तार से बताओ। तो वो माता बोली, बेटा, मैं संसार भर के इंसानों की जोड़ी बना रही हूँ, अर्थात मेरे कहने का अर्थ है, संसार भर के लोगों को जीवन साथी के रूप में किसी को मिला रही हूँ तो किसी को अलग कर रही हूँ, जो कि संसार का नियम है। जो लोग साथी बन के मिलते हैं, एक दिन वो बिछड़ भी जाते हैं, यही संसार का नियम चला आ रहा है और मेरा यही काम है। इतना सुनते ही राजा वीर सिंह अपने राजा होने के घमंड में आकर वो माता से जो धृष्टता कर बैठता है और बोलता है, बुढ़िया, तेरा काम संसार के लोगों की जोड़ी बनाना है और बिगाड़ना है तो तूने मेरी भी जोड़ी बनाई होगी। इस पर वह माता बोली, हाँ बेटा, तेरी भी जोड़ी बनाई है। राजा वीर सिंह ने शादीशुदा होने के बावजूद भी वह माता से घमंड पूर्वक पूछा, बुढ़िया, तो बता, मेरी जोड़ी तूने किसके साथ बनाई है और मेरी शादी किसके साथ होगी। इतना सुनते ही वह माता को राजा के घमंड को पहचानने में देर नहीं लगी और वह माता सोचने लगी, ये राजा होने के घमंड में शादीशुदा होकर भी मुझसे जोड़ी बनवाने के बारे में बातें कर रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यह मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन ठीक है, मैं इसको इसकी गलती का उचित फल दूंगी, इसने जो माता के साथ भद्दा मजाक किया है, इसका फल तो इसे मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर वह माता राजा से बोली, हे राजा, तूने मुझसे पूछा कि तेरी जोड़ी मैंने कहाँ बनाई है, तो सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी जोड़ी मैंने तेरी पटरानी से जन्मी तेरी सगी बेटी के साथ बनाई है, तेरी शादी तेरी अपनी सगी बेटी से होगी, जा, तूने मेरे साथ जैसा भद्दा मजाक किया है वैसा ही मैंने तुझे फल दे दिया। वो माता के इतने वचन सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन निकल गई और वो माता से अपने किए के लिए माफी मांगने लगा। तो वो माता बोली कि राजा, तू तो राजा है ना, तेरे लिए तो सब कुछ संभव है ना, तो तू जा और झुठला दे इस बुढ़िया के वचन को। राजा माता की लाख मन्नतें करने लगा और वह माता से मिले श्राप को वापस लेने की प्रार्थना करने लगा। तब वह माता बोली कि, हे राजा, मेरा कहा गया वचन झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन तेरे पास सामर्थ्य हो तो बचने की कोशिश कर लेना। इतना कहकर वह माता अपने कार्य में मस्त हो गई और राजा शिकार खेलना तो भूल ही गया था और वह अब बहुत दुखी था और दुखी मन से ही अपनी राजधानी और अपने महल को लौट आया। महल में अपनी पटरानी चंद्रलेखा के पास बहुत ही उदास मन से पहुंचा। रानी ने अपने राजा को उदास और दुखी देखा तो पटरानी चंद्रलेखा अपने राजा से बोली, महाराज, आज क्या बात है जो आप इतने दुखी लग रहे हो। तो राजा वीर सिंह कहने लगे, हे महारानी, मैं तुझे क्या बताऊं? आज मुझसे अपने घमंड में आकर मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। रानी बोली, कैसी भूल कर दी महाराज। इस पर राजा ने अपनी रानी चंद्रलेखा को सारी बातें सुना दी। सारी बातें सुनने के बाद रानी चंद्रलेखा बोली, महाराज,
उस अनहोनी के डर से अभी से आप चिंता क्यों करते हो, जिसका कोई आधार ही नहीं है। अरे जब हमारे कोई बेटा बेटी है ही नहीं तो फिर तुम्हारी दुल्हन कैसे बनेगी? मेरी बेटी और आगे भी हम किसी बेटी को जन्म लेने ही नहीं देंगे जिससे तुम्हारी दुल्हन बनने की कोई भी गुंजाइश रहे। राजा वीर सिंह ने अपनी रानी चंद्रलेखा की इतनी बातें सुनी तो राजा के दिमाग में उसकी बातें बैठ गई और वह सोचकर उसने राहत की सांस ली कि रानी ठीक तो कहती है कि जब अब तक हमारे कोई संतान नहीं है तो फिर मेरी बेटी मेरी दुल्हन कैसे बनेगी। और इस तरह राजा अपने दुख को दूर करने के लिए अपने राज काज में व्यस्त हो गया। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और कुछ महीनों के बाद ही उसकी रानी पटरानी चंद्रलेखा को गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने पर महारानी चंद्रलेखा को अब चिंता सताने लगी और वह अपनी गर्भ अवस्था पर अपनी नजर बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे रानी के प्रसव का समय नजदीक आने लगा तो रानी ने अपनी एक सबसे विश्वसनीय पात्र बांधी थी उसको 24 घंटे अपनी देखरेख के लिए तैनात कर दिया। जब प्रसव का समय आया तो रानी चंद्रलेखा ने रात्रि के 12 बजे के आसपास एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का जन्म होते ही रानी चंद्रलेखा के होश उड़ गए कि उसको तो कन्या पैदा हो गई है और अपने पति राजा वीर सिंह की कही हुई बातों का आधार बनता देखकर रानी दुखी हो उठी और किसी अनहोनी से टकराने का व्यर्थ ही प्रयास करने लगी। कन्या का जन्म होते ही रानी ने अपनी बांदी को आदेश दिया कि बांदी इस कन्या को ले जाकर इसके प्राण ले लो और इस कलंक को मिटा दो, क्योंकि मेरे पति के लिए यह आगे मुसीबत साबित हो सकती है। इससे पहले कि यह मेरे पति के लिए कलंक बने इसके प्राण ले लो। रानी की इतनी बात सुनते ही बांदी ने कन्या को उठाया और एक हाथ में फावड़ा ले लिया और जंगल की ओर महल से निकल कर चल दी। महल से निकलते ही परजा बस्ती में पहुंची। परजा बस्ती से निकलकर जंगल की ओर जा रही थी कि तभी बस्ती के पड़ोस में सूखे गोबर के घूरे पड़े हुए थे। बांधी ने सोचा बच्चे को लेकर अगर जंगल की ओर जाऊंगी तो किसी ने देख लिया तो कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, इसलिए उसने सोच लिया कि जंगल की ओर जाने और किसी के देख लेने से तो अच्छा है कि इस घूरे में ही इस लड़की को दफना दो। और उसने यही उचित समझा और बांदी ने फावड़े से खोदना शुरू कर दिया और कन्या के लिए दफनाने के लिए जितने में कन्या दफना जाए उतना खड्डा खोद दिया और उसके बाद कन्या को घूरे में दफन कर दिया और महल वापस लौट आई। महल पहुंचकर बांदी ने रानी को कन्या के बारे में सब कुछ ठीक ठाक बता दिया। रानी यह सोचकर निश्चिंत हो गई कि कन्या घूरे में दफन हो गई है और घूरे में दफन होने के कारण उसका दम घुट जाएगा और वो मर जाएगी। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। घूरे का सूखा गोबर होने के कारण उसमें हवा का आवागमन बना हुआ था जिससे कन्या सांस ले सके और कन्या दम तोड़ने के बजाय उसमें जिंदा बनी रही। इधर सुबह का वक्त होते ही वो घूरे के मालिक अपने घूरे को किसी किसान को बेच देता है और किसान ने घूरे को खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए गधों के द्वारा ढुलाई हेतु एक कुम्हार पति पत्नी जो कि रामू जिसका नाम था उसको ठेका दे दिया। कुम्हार पति पत्नी के संतान नहीं होने के कारण कुम्हार अपनी पत्नी और अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर था जो कि संतानहीनता के चलते बहुत दुखी रहते थे। किसान के द्वारा काम मिल जाने पर कुम्हार कुछ गधे लेकर अपनी पत्नी के साथ घूरे को किसान के खेतों में डालने चल दिया और घूरे को खोदते खोदते जैसे ही कुम्हार पति पत्नी दोनों ने फावड़ा कन्या के करीब चलाया तो कन्या ने रो दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही दोनों कुम्हार और उसकी पत्नी चौंक बच्चे की आवाज पर ध्यान लगाने लगे और उन्होंने निश्चय कर लिया और उन्हें विश्वास हो गया कि आवाज तो इस घूरे में से ही आ रही है। तो उसने फावड़े को साइड में रखा और अपने हाथों से घूरे को खोदना शुरू कर दिया और आखिरकार बच्चे तक वे पहुंच ही गए और बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया। कन्या को बाहर निकालते ही जो कुम्हार की पत्नी थी उसने कन्या को झट से अपनी गोद में ले लिया और अपनी छाती से लगा लिया। कन्या को छाती से लगाते ही रामू की जो पत्नी थी यानी कुम्हारी थी उसकी छाती में दूध उतर आया। कन्या को दूध पिलाने लगी।
ईश्वर का ये चमत्कार और संतानहीनता के चलते ईश्वर का उसे उपहार समझकर दोनों पति पत्नी उस कन्या को अपने घर ले आए और अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करके उसका बड़े प्रेम से पालन पोषण करने लगे। कुम्हार की पत्नी कुम्हार की जो बेटी थी उसका नाम दोनों पति पत्नी ने किरण रखा। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी और सुंदरता में वे सारे नगर के बच्चों को पीछे छोड़ने लगी और समय धीरे धीरे बीतता गया तो एक किरण कुम्हार की बेटी अब सयानी हो गई और अपने माता पिता के कामकाज में हाथ बटाने लगी। किरण जब 18 बरस के आसपास हो गई तो एक दिन उसके माता पिता के पशुओं यानी जो उसके माता पिता के पालतू गधे थे उनको लेकर चराने जंगल में निकल गई। किरण अपने पशुओं को जो चरा रही थी कि राजा वीर सिंह शिकार खेलने के बाद महल की ओर लौट रहे थे और राजा वीर सिंह ने गधों को चरा रही किरण को जो कि सुंदरता में किसी हूर से कम नहीं थी जब उस लड़की को देखा तो उस पर मोहित हो गए और महल में पहुंचकर राजा वीर सिंह ने अपनी महारानी चंद्रलेखा से किरण के बारे में बताया और कहा महारानी हमें पता करके बताओ कि वह लड़की कहाँ की है और किसकी है और कहाँ रहती है। उसने हमारा दिल चुरा लिया है और हम उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। पहले समय में राजा महाराजा कई शादी कर लेते थे और रानियों को कोई ऐतराज भी नहीं होता था। इसलिए इतना सुनते ही रानी बोली ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा। बहुत जल्दी ही हम इसका पता निकाल लेंगे कि वह कन्या किसकी बेटी है और कहाँ रहती है। उसके बाद रानी ने अपने गुप्तचरों को पता लगाने के लिए भेज दिया। पता लगने के बाद राजा को किरण के बारे में पूरी सूचना दे दी गई तो राजा बोला ठीक है महारानी हमारे रिश्ते का प्रस्ताव कुम्हार और उसकी पत्नी के पास भेज दो। इस पर महारानी बोली महाराज अब ये काम गुप्तचरों का नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से नाई और ब्राह्मण का है इसलिए रिश्ते का प्रस्ताव नाई और ब्राह्मण के द्वारा भेजो। अगली सुबह राजा ने अपने दरबार में नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और रिश्ते का प्रस्ताव कुम्हार पति पत्नी के पास भेज दिया। रामू और उसकी पत्नी ने जब नाई और ब्राह्मण की बातें सुनी तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे कहने लगे राजा वीर सिंह का रिश्ता उनकी बेटी किरण के लिए। नाई और ब्राह्मण की बात सुनकर कुम्हार और उसकी पत्नी बोले कि महोदय आप ये सब क्या कह रहे हैं कहां राजा वीर सिंह और कहां हम उनकी रियासत के छोटे से नागरिक हैं हमारी उनकी क्या समानता है। इस पर नाई और ब्राह्मण बोले नहीं रामू समानता की कोई बात नहीं है महाराज को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है इसलिए ये प्रस्ताव महाराज की ओर से है और इसमें तो तुम्हें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि आपकी बेटी का भाग्य खुलने जा रहा है। तुम्हारी बेटी जानवरों के पीछे नहीं दौड़ेगी बल्कि राजघराने में रानी बनकर राज करेगी। रामू और रामू की पत्नी अपनी बेटी के सुखद भविष्य को देखते हुए रिश्ते के लिए मंजूरी दे देते हैं और शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद ही शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राजा वीर सिंह किरण को दुल्हन के रूप में ब्याह कर लाते हैं और उनकी महारानी चंद्रलेखा किरण और राजा का भव्य स्वागत करती हैं और अपने पति राजा वीर सिंह की सुहागरात की तैयारियां करती हैं। शाम का समय था। महल के पड़ोस में एक बकरा और बकरी बंधे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और जो रानी चंद्रलेखा थी वह उनकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। बकरा बकरी से बोला बकरी कैसा अनर्थ होने को जा रहा है। बकरी बोली कैसा अनर्थ। तो बकरा कहने लगा बकरी ऐसा अनर्थ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक बाप अपनी ही सगी बेटी को दुल्हन बनाकर लाया है। इस पर बकरी बोली यदि आप सच बोल रहे हैं तो इस कहानी को मुझे पूरी सुनाइए। तो बकरे ने राजा की पूरी दास्तान बकरी को सुना दी जिसे महारानी चंद्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसने बकरा बकरी की दास्तान को सुनना जारी रखा। बकरी ने पूरी दास्तान सुनने के बाद भगवान से प्रार्थना की हे भगवान ऐसा अनर्थ देखकर सुनकर भी अगर हम जिंदा हैं तो हे भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद आप हमारी बोलने की और सोचने की शक्ति हमसे वापस ले लो जिससे हम किसी भी अपराध को ना तो सोच पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे जिससे हमें जीने में आसानी होगी।
और ऐसा सुना है कि उसी क्षण ईश्वर की मेहर से बकरा और बकरी गूंगे हो गए। रानी चंद्रलेखा ने जब यह नजारा देखा तो उसे समझने में अधिक समय नहीं लगा और वह समझ गई यह नई दुल्हन कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है। तो वह चंद्रलेखा धरती माँ से प्रार्थना करने लगी, ये धरती माँ, मैं इस धरती पर क्यों जिंदा हूँ? इतने बड़े अनर्थ का बोझ मैं कैसे सहन करूँगी, इसलिए मुझे तू अपनी गोद में ले ले। माँ रानी का ऐसा करुण देख, करुण विलाप देखकर धरती माँ ने अपना सीना चीर लिया और रानी धरती माँ की गोद में बैठ गई। महल के बाकी लोगों ने जब यह नजारा देखा तो वे तुरंत दौड़े दौड़े राजा के पास गए और राजा को सूचना दी। सूचना पाते ही राजा रानी के पास दौड़ पड़े और अपनी रानी को धरती में समाते हुए देखा तो रानी से बोले, रानी यह सब क्या है और मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? तो रानी बोली, महाराज जो अपराध हमसे हुआ है, जो अनर्थ हमसे हुआ है, उसका तो एक यही प्राश्चित है। तो राजा बोला, कैसा अपराध, कैसा प्राश्चित? तो रानी ने सारी दास्तान राजा को बता दी। दास्तान सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन निकल गई और वह बोला, महारानी यह अपराध तुमसे अकेले नहीं हुआ, इसका मैं भी बराबर का भागीदार हूँ। इसलिए हे धरती माँ, अगर धरती माँ की गोद में तो अकेले नहीं बैठ सकती, धरती माँ के साथ गोद में मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और अपने द्वारा किए हुए इस अनर्थ का प्राश्चित करूँगा। इतना बोलते ही राजा ने मंत्री से एक पत्र मांगा और फिर जिस पर उसने अपनी पूरी दास्तान को वसीयत के तौर पर लिखा और लिखा कि हमारे बाद हमारे राज्य को अब अपने पालक माता पिता के साथ हमारी बेटी किरण ही संभालेगी। पत्र में इतना लिखकर मंत्री को दे दिया और राजा वीर सिंह और रानी चंद्रलेखा धरती में समा गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।